थानागाजी गैंगरेप का मामला धीरे धीरे सियासी तूल पकड़ता जा रहा है और इसी को लेकर राजधानी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन फाटक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, भाजपा विधायक कालीचरण सराफ, अशोक लाहोटी सहित कई नेता मौजूद रहे और इस प्रदर्शन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के पास पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि थानागाजी में हुए गैंगरेप का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी इसमें मौजूद रहे। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। आज जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां थानागाजी गैंगरेप के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। सिविल लाइन फाटक पर यह प्रदर्शन किया गया जिसमें कई दिग्गज भी मौजूद रहे और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग रखी गई है। सिविल लाइन फाटक पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल को घटनाक्रम के संबंध में यह ज्ञापन सौंपा गया है। आपको जयपुर से खबर बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी सहित कई पदाधिकारी इसमें मौजूद रहे। थानागाजी में हुए गैंगरेप का मामला लगातार अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है और इसी कड़ी में जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी सहित कई पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन करके राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है।